मैं डॉक्टर एस के शर्मा हूँ। मेरी जो BAMS की पढ़ाई है वो DAV कॉलेज जलंधर में हुई। MD मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, PhD मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, मास्टर्स इन हेल्थ मैनेजमेंट मैंने लंदन से किया, प्रोफेसर था हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में, UPSA के थ्रू मैं भारत सरकार में आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 22 साल तक एडवाइज़र रहा। एडवाइज़र की पोस्ट रेगुलर पोस्ट होती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट से रिटायर हुआ। और वहाँ रहते हुए जो मैंने दवाई के बारे में, जिसको ड्रग कंट्रोलर बोलते हैं, वो ड्रग कंट्रोलर 15 साल आयुष का रहा, जो एक्ट बनाता था, क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाता था। और इसके साथ रहते रहते मैंने FSSAI, जो आज जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, रिटायरमेंट के बाद उन पोजीशंस को भी होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहता, बट आई एम स्टिल द चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक पैनल ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। ऑनरेरी पोस्ट होती है वो, वहाँ हम बंधे हुए नहीं हैं, एक्सपर्ट के रूप में वहाँ पर 6 साल से हम सर्विसेज दे रहे हैं। मेरी वाइफ MD हैं, मेरी डॉटर MD PhD आयुर्वेद हैं, छोटा भाई, उसकी वाइफ BAMS, खुद BAMS, भाई उस लड़का उसका MBBS, तीसरा भाई जो फैक्ट्री चलाता है खुद B Pharma, उसका बेटा M Pharma, उसकी बेटी MBBS, दूसरी बेटी उसकी PhD, कहाँ से, जहाँ नोबेल प्राइज़ मिलता है। हम दवाई बना के बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम दवाई बनाते हैं, मरीजों में देते हैं, ऐसा हम 40 साल से कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पानी और हवा की बात कर रहे थे, इस बैकग्राउंड के साथ हम मरीज देखते हैं, गवर्नमेंट की जॉब में है। तो एक भाई को हमने कहा कि तुम ये फैक्ट्री चलाओ। तो 1982 में बैजनर फार्मास्यूटिकल चालू हुई और उसके बाद अब वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। उस कंपनी की नई फैक्ट्री जिस GMP की बात कर रहे थे, USFDA की बात कर रहे थे, उसके नॉर्म्स को रख करके, उन नॉर्म्स को हम कंप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और WHO GMP को कंप्लाई करेंगे, ऐसी फैक्ट्री, एक नई फैक्ट्री हमने बनाई 8 साल पहले, जो GMP कंप्लाइंस है। DSIR, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बॉडी है, उससे वो अप्रूव्ड लेबोरेटरी उसकी है। हम भारत में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये कंपनी उनको दवाई देती है, CGHS को दवाई देती है, NDMC को दवाई देती है, और देश के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये दवाई देती रही है। मैं रिटायर हुआ 6 साल पहले, मैंने कहा यार 40 साल से भाई लोगों के गवर्नमेंट में रहते ही वो तो बिजनेस कर नहीं सकता था, कि आप क्या कर रहे हो, जिस सिस्टम से आप चले हुए हैं 35 साल में आपको कोई पहचान नहीं। तो हमने एक स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्री बनाई 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके, एक WHO GMP कंप्लाइंस फैसिलिटीज क्रिएट की, जो हर तरह की दवाई, वो एक काढ़े से लेकर के कैप्सूल टैबलेट सिरप तक, 1 लाख स्क्वायर फुट एरिया में, जिसमें सारा RO सिस्टम, पहले पानी के लिए ज़रूरी था लेकिन अब क्लीन वाटर है, सारी AHU रेगुलेटेड है, और हमारा कोलेबोरेशन है नियर बाई CSIR लेबोरेटरी से, जो CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च पालनपुर, उसके साथ कोलेबोरेशन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU है, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग है। किया हमने क्या, ये जो प्रोडक्ट आपके पास ला रहे हैं, जिंदगी भर की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी आयुर्वेद के बारे में, जो साइंस के बारे में, मैंने कहा रिटायरमेंट के बाद हम नौकरी नहीं करेंगे भाई लोग, आपको हम गाइड करेंगे। हमने आयुर्वेद के पुराने ज्ञान को साइंस के साथ कोलैबोरेट किया। कहा जाता है कि आयुर्वेद की दवाई, अभी मुझे दर्द है, अभी बुखार है, दवाई आज खाएंगे आराम कब होगा, मैंने कहा कोई चिंता मत करिए। हमने आयुर्वेद के कंसेप्ट के साथ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिलाया, और जितने भी प्रोडक्ट हम आज प्रस्तुत करने वाले हैं, सब में साइंटिफिक सपोर्ट है। इस कंपनी नेस्विज के साथ हमारा बड़ा एक, आप हैरान होंगे कि मेरे पड़ोस में एक यहीं बैठे हुए हैं हमारे पड़ोसी मिस्टर राजीव, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जय कुमार जी से, 5 मिनट की मुलाकात। जय कुमार जी ने मेरा इंट्रोडक्शन त्रिवेश जी से कराया, 5 मिनट की मुलाकात। त्रिवेश जी ने मेरी मुलाकात कराई डायरेक्टर साहब से, संतोष जी से, 5 मिनट की मुलाकात।
कोई लॉबी नहीं, कोई परसुएंस नहीं, केवल इन 3 मीटिंग्स के माध्यम से 6 महीने की जर्नी के बाद हम आपके पास आज 12 प्रोडक्ट लाए हैं। जो 12 प्रोडक्ट लाए हैं, मुझे कहा गया उस पांच, ये सारी मीटिंग 5-5, 10-10, सबसे लंबी मीटिंग मेरी डायरेक्टर साहब के साथ हुई जो घंटा भर चली होगी, बाकी सब मीटिंग 5-5 मिनट्स की थी। तो क्या देखा, क्या समझा, इन्होंने विश्वास किया। इन्होंने कहा कि हम हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं और आज तक तो हमारा एक्सपीरियंस इसमें है नहीं। मैंने कहा जो लोग हेल्थ केयर में जाते हैं उनके पास ड्रग को समझने वाले लोग होने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल को समझने वाले लोग होने चाहिए, और इसमें बहुत से लफड़े हैं क्वालिटी कंट्रोल के, दवाई की तरह चीज़ें हैं, क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ आप बताइए, आप इसके जानकार हैं। तो मैंने कहा ऐसा है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी ज़रूरी है, बनाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है, दवाई खराब हो तो सज़ा होती है, ये सब चीज़ें लागू हैं आयुर्वेद की दवाइयों पे, लेकिन बेचने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद की दवाइयाँ कोई भी आदमी बेच सकता है, केमिस्ट भी बेच सकता है, ग्रोसरी स्टोर वाला भी बेच सकता है, कोई दूसरा आदमी भी अपनी दवाइयाँ बेच सकता है। इसलिए आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने इस नेटवर्क से इन दवाइयों को कैसे बेचेंगे। एक तो ये बात आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात यह है कि मुझे ध्यान में है कि इस समय देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ग्रोइंग साइंस है, ये हमने सेलेक्टिवली वो चीज़ें लाई हैं जो बाकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से विशेष होंगी। मतलब आप धड़ल्ले से कह सकते हैं कि मेरी फैमिली में इस कंपनी के पीछे 12 लोग MD, PhD, M.Pharma परिवार के हैं, जो दवाई बनाते हैं, मरीजों को देते हैं, अपना हॉस्पिटल है, और आज भी मरीज देखता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई ऐसा आदमी को दवाई बनाना और बेचना मेरा काम है। तो इनकी गुणवत्ता जो है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से टेस्टेड है, मरीजों में टेस्टेड है, और आप विश्वास के साथ इसको दे सकते हैं, इन दवाइयों को। ये दूसरा कॉन्फिडेंस है। और ये सारी दवाइयाँ जो प्रोडक्ट लाए हैं इनको 2-3 फेजेज में लाए हैं हम। आपका डायरेक्टर साहब का कहना ये था कि पहले हम ऐसे प्रोडक्ट लाएंगे जिसमें बहुत साइंस की ज़रूरत ना हो, लोग पहले विश्वास करें हमारे 6-8 प्रोडक्ट में, जिसमें बहुत डॉक्टर की एडवाइस की या आपको साइड इफ़ेक्ट्स की बात ना हो, उससे बात शुरू करें। तो उसी स्ट्रेटजी से हम इन सब प्रोडक्ट्स को लाए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उस जिस मशीन को, पानी की मशीन को बेचने के लिए 1-1.5-2 घंटे की प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, हमारे भी इस एक एक प्रोडक्ट के लिए घंटा घंटा आधा घंटा हम दे सकते हैं। लेकिन वो आज संभव नहीं होगा, वो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा एसोसिएशन रहेगा, हम प्रोडक्ट की डिटेल्स में उस समय बात करेंगे। आज इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं ताकि आपको ये जानकारी हो जाए इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और बाकी फॉलोअप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बात हो सकती है। आयुर्वेद जो है वो हर्बल से अलग है, आयुर्वेद की जो विज्ञान है वो वेद से है, वो सारा ही, वो ये 100-200 साल की बात नहीं है, वेद 4,000 साल पहले हुए और ऋग्वेद का पार्ट है ये। और ऐसा कहा जाता है जब से आदमी हुआ तब से आयुर्वेद है ये। प्रसव हुआ, कार्ड काटी, उसमें वेद की जरूरत पड़ी, तो जब से हम पैदा हुए हैं वेद आयुर्वेद तो था अपने तरीके से। और आयुर्वेद के 2 लक्ष्य हैं, दे आर 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयुर्वेद, ये आप समझ लीजिए आपके काम भी आने वाली चीज़ है। पहला ऑब्जेक्ट है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, कि जो तंदुरुस्त व्यक्ति है उसकी तंदुरुस्ती की रक्षा करो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेदा इज स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, कि जो तंदुरुस्त आदमी है उसकी तंदुरुस्ती की रक्षा करनी। उसके लिए डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको अच्छा खान पान करना है। ये ऐसे प्रोडक्ट जो हम बता रहे हैं जो आप आराम से OTC की तरह प्रयोग कर सकते हैं, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि अगर बीमार होते हैं तो इलाज करना। तो आप जो नॉन डॉक्टर होते हुए भी इन प्रोडक्ट्स को प्रोपोगेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, वो पॉसिबल है, क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट की आज चिंता करने, चर्चा करने वाले हैं या दिखाने वाले हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। और दूसरी गारंटी मैं ये देना चाहता हूँ, वो क्योंकि अब तो आपके परिवार के साथ हम जुड़ गए, ये दवाइयाँ ऐसी नहीं है कि आज देंगे तो 3 दिन के बाद आराम होगा, ये उसी तरह से काम करेंगे कि 2 डोज देने के बाद
कल तक मरीज बोलेगा कि हाँ मैंने जो लिया है इसका फर्क हो रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने आयुर्वेद के साथ साइंस को जोड़ा है, जो आगे मैं